प्रिय विद्यार्थियों, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास ट्वेल्थ मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2 पार्ट नंबर 2 कैसे इस प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने दो मैट्रिक्स के योग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में अध्ययन किया, दो मैट्रिक्स के गुणन के बारे में प्रॉपर्टी का अध्ययन किया और इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हमने हल किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि इनसे संबंधित प्रश्न जो मैंने करवाए वो तो करने ही हैं और अन्य प्रश्न जो है वो भी आपको करने हैं, और कोई समस्या हो तो मुझे नोट करवानी है। तो आप किसी भी विद्यार्थी ने अपनी समस्या नहीं बताई, जो अच्छी बात नहीं है। आप कोई भी समस्या आए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। समस्या आएगी, समस्या आती है तो आप मेरे सामने रखें, मैं उन नेक्स्ट क्लास में समस्या का समाधान करूंगा। तो आज मैंने जिन प्रश्नों को आपको बताना उचित समझा, थोड़े अलग है, टफ है, उन प्रश्नों को मैंने यहाँ हल करके बताने का प्रयास किया है। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर एट है, सिद्ध कीजिए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इंटू मैट्रिक्स ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एल एच एस लेंगे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले एल एच एस को लिखा है। इधर एल एच एस में तीन मैट्रिक्स एक साथ गुणा हो रही है, तो यहाँ हम तीनों मैट्रिक्स को एक साथ गुणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पहले प्रथम दो मैट्रिक्स का गुणा करेंगे। प्रथम दो मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, फिर उसका तीसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे। तो प्रथम दो मैट्रिक्स का गुणा करना और गुणा करने का तरीका वही है, प्रथम मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम गुणा होगा। तो गुणा करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले हम प्रथम मैट्रिक्स के प्रथम पंक्ति का पहला अवयव प्रथम कॉलम के पहले अवयव से गुणा होगा। तो एक्स का गुणा ए से किया ए एक्स प्लस दूसरे का दूसरे से, वाई का गुणा एच से किया एच वाई प्लस जेड का गुणा जी से किया जी जेड। इसी प्रकार इसी पंक्ति का गुणा हमने दूसरे कॉलम से किया तो ये आ गया हुआ। इसके बाद x का गुणा h से किया एक्स एच प्लस y का गुणा b से किया बी वाई प्लस z का गुणा f से किया एफ जेड। नेक्स्ट प्रथम पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से, तो गुणा होगा x का g से तो जी एक्स प्लस y का f से एफ वाई प्लस z का c से जेड सी। तो इस प्रकार इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई और तीसरी मैट्रिक्स को यहीं साथ लिख दिया। अब यहाँ दो मैट्रिक्स आ गए हमारे सामने, तो फिर इस दोनों मैट्रिक्स का गुणा हम करेंगे। तो इसका तो आएगी पंक्ति, इसका आएगा कॉलम। एक ही पंक्ति है, एक ही कॉलम है, तो इसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर। तो प्रथम अवयव, पूरा अवयव है प्रथम अवयव, इसका गुणा करेंगे इसके प्रथम अवयव से। तो एक्स का गुणा करेंगे इससे तो यह आ गया ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इंटू एक्स। फिर दूसरा अवयव इसका स्तंभ का भी दूसरा अवयव यहाँ गुणा हो गया, तीसरा अवयव इसका स्तंभ का तीसरा अवयव यहाँ गुणा हो गया। अब हम अगले स्टेप में और बीच में प्लस लगेंगे, उसको खोला तो यहाँ आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एक्स जी जेड। एक्स का गुणा इस कोष्टक के अंदर किया, वाई का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, जेड का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, तो इस प्रकार आपके पास ये पद प्राप्त हो जाएंगे।
अब हम व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करते समय ध्यान रखेंगे हम सिद्ध करने में पद किस प्रकार आ रहा है। तो हमने यह देखा सिद्ध करने में सबसे पहले ax स्क्वायर आ रहा है, हमने सबसे पहले लिखा ax स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का पद आ रहा है सिद्ध करने में, तो यहाँ से हमने y स्क्वायर का पद ढूंढा तो ये आ गया बी वाई स्क्वायर, नंबर दो पे लिखा हमने बी वाई स्क्वायर, फिर z स्क्वायर का पद ये देखो सबसे लास्ट में आ रहा है यह आ गया सी जेड स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, दो बार आ रहा है एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, इन दोनों को जोड़ दिया तो यह आ गया टू एच एक्स वाई प्लस एफ वाई जेड, एफ वाई जेड भी दो बार आ रहा है, एक बार ये एफ वाई जेड यहाँ पर और एफ वाई जेड यहाँ पर, दोनों पदों को जोड़ दिया तो यह आ गया टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स, तो जी जेड एक्स के भी ये पद आ रहा है, एक ये वाला पद आ रहा है जी जेड एक्स का और एक यहाँ आ रहा पद, दोनों को जोड़ दिया तो टू जी जेड एक्स, और यही पद हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न आठ आपके सिद्ध हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न आठ के बाद में हम बात करते हैं आगे, पहले थोड़ा आगे चलते हैं। प्रश्न आठ से संबंधित एक प्रश्न है आपके और प्रश्न नंबर है दस, तो प्रश्न दस को लेते हैं पहले हम, देखिए प्रश्न दस क्या है। प्रश्न दस है आपके सामने, वही यहाँ पर भी तीन मैट्रिक्स एक साथ गुणा हो रही है और सिद्ध करना है शून्य आव्यूह और आपको एक का मान ज्ञात करना है। आपने दे रखा है बराबर शून्य मैट्रिक्स, दे रखा है एक का मान ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार आपने प्रश्न आठ में तीनों मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए प्रथम दो मैट्रिक्स का गुणा किया पहले, फिर उसका तीसरे के साथ गुणा किया, वैसा ही यही करना है। तो आप पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को लिख देंगे यहाँ पर, दोनों को गुणा करेंगे, फिर तीसरी को गुणा करेंगे। जैसे ही दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगी, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, हल करने पर आपके पास यहाँ एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें सारे क्या होंगे जीरो होंगे, तो जिसको हम कहेंगे शून्य मैट्रिक्स। तो यहाँ एक का ऐसा पद आएगा यहाँ पर जिसमें ए भी होगा, साथ साथ चलाते रहें इसको आप शून्य मैट्रिक्स को साथ साथ चलाएं इधर, तो यहाँ संगत अवयव को बराबर करके एक का मान ज्ञात करना है और एक का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर प्रश्न 10 के बाद प्रश्न 11 की बात करें अगर हम, तो प्रश्न 11 है यदि ए बी दे रखे हैं आपको तथा ये भी दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हमें मान रखना है, नीचे एक समीकरण प्राप्त होगी, उस समीकरण से हमें ए और बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस समीकरण दी गई समीकरण में मान रखने के लिए पहले हम ज्ञात करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पहले हमने ए प्लस बी ज्ञात किया, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों को जोड़कर एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी जो होगी ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स गुणा ए प्लस बी मैट्रिक्स, दोनों यहाँ ए प्लस बी को दो बार गुणा करना है, इनको गुणा करेंगे तो एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी जो होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समीकरण डाल दिया दो, अब आर एच एस में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करेंगे हम, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ए इंटू ए, बी स्क्वायर ज्ञात करेंगे बी इंटू बी, इनका गुणा करेंगे एक मैट्रिक्स आ जाएगी, इनका गुणा करेंगे एक मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। और मैट्रिक्स जोड़ने का तरीका आप जानते हैं, संगत अवयव को जोड़ दें, तो संगत अवयव को हम जोड़ देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। फिर हम समीकरण दो व तीन इन दोनों को बराबर करेंगे, तो एल एच एस बराबर करेंगे, फिर संगत अवयव को बराबर करके हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 12, जो मैंने पहले कर दिया है यहाँ पर, वो आपको बताता हूँ प्रश्न 12 क्या है। प्रश्न 12 ये आपके सामने रहा प्रश्न, तो देखिए प्रश्न 12 है यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 माइनस टेन एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू जीरो तथा आई टू इंटू टू क्रम का इकाई आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, आपको ये सिद्ध करना है। और दिया हुआ है ए और आई है जो है टू इंटू टू क्रम्स का मैट्रिक्स है,
तो मैं सबसे पहले जो गिवन है वही लिख देता हूँ आपको दे रखा है, दो इंटू दो क्रम का मैट्रिक्स, तो दो तो होगी पंक्तियाँ और दो होगी स्तंभ, लिख दिया मैंने इकाई को, और ये भी दे रखा है उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया हल करने के लिए। अब LHS का मान ज्ञात करते हैं, पहले LHS का मान ज्ञात करेंगे हम, पहले I प्लस A करेंगे, I प्लस A करेंगे, I का मान रख दिया, A का मान रख दिया, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, जोड़ने के लिए संगत अयुग्म को जोड़ना है, वन को जीरो में जोड़ना है, जीरो को इसमें जोड़ना है, इसी प्रकार ये एक से योग हो गया और इनको जोड़ने पर LHS का मान आ गया मैट्रिक्स वन माइनस टेन एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू वन, इसको डाल दिया समीकरण नंबर एक। तो हमें RHS का मान ज्ञात करना है, RHS को मान ज्ञात करने के लिए RHS में पहला स्टेप है आई माइनस ए, जिस प्रकार हमने आई प्लस ए किया है उसी प्रकार हम आई का मान यहाँ रख दिया, ए का मान यहाँ रख दिया, माइनस करना है, घटाना है, तो संगत अवयव को घटाएंगे, तो वन में से जीरो घटाया वन, जीरो में से ये घटाया, ये घटाना है तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर घटाना है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस टेन एक्स अपॉन टू वन। अब नंबर डाल टू डाल दिया इसको, अब RHS में जो अन्य मैट्रिक्स ले रखी है उसमें कॉस एक्स और साइन एक्स के पद आ रहे हैं और LHS में आ रहा टेन के पद, तो हमें यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्या हम कॉस और साइन के सूत्र भी टेन के पदों में जानते हैं, तो हमें याद आएगा बिल्कुल हम कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों के टेन के पदों में सूत्र जानते हैं और ये हमने कक्षा 11 में ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रश्नावली में पढ़ा है। तो सूत्र क्या है आपको अच्छी तरह से याद होगा, कॉस एक्स का सूत्र आपने पढ़ा है, टेन के पदों में कॉस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, याद होना चाहिए आपको और याद रखना पड़ेगा आपको ये। फिर साइन एक्स का सूत्र होता है इसी प्रकार टू टेन एक्स अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये दोनों सूत्र आपने पढ़े हुए हैं। तो उस मैट्रिक्स में हम जहाँ कॉस एक्स आ रहा है वहाँ टेन के पदों का सूत्र लगा दिया, साइन का भी मान रख दिया, तो ये आ गई समीकरण नंबर तीन। अब हम RHS का मान ज्ञात करेंगे और RHS को पहले लिख दिया वापस जैसी दे रखी प्रश्न में। अब समीकरण दो व तीन दोनों से इन दोनों पदों का मान यहाँ रख दिया, मान रख दिया हमने, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है और मैट्रिक्स को गुणा करने का तरीका आप जानते हैं, प्रथम रॉ प्रथम कॉलम, तो गुणा करेंगे हम, वन का गुणा होगा इस पद से, तो वन का गुणा इस पद से किया तो ये वाला पद एज इट इज आ गया और ये पद है यहाँ पर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस इसका पद, इसका गुणा इस पद से होगा, तो टेन एक्स अपॉन टू का गुणा करना है इस पद को, मैंने यह कोष्टक में लिख दिया। ये तो था पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करना वो यहाँ आएगा, तो वन का गुणा किया माइनस टू टेन एक्स अपॉन टू से वाले पद से, तो ये आ गया ऐसा कैसा पद आ गया, ये वाला पद यहाँ आ गया ऐसा कैसे, माइनस टू टेन एक्स अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस इसका पद का गुणा इस पद से करना है, तो टेन एक्स अपॉन टू गुणा ये पूरा पद यहाँ लिख दिया मैंने टेन एक्स अपॉन टू इन टू। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से यहाँ गया पद, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से यहाँ गया पद। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स में एक पद में भी बहुत सारे पद आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे हल करेंगे, और हल करने के लिए क्या करेंगे, हल करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं दोनों पदों का एलसीएम कह दो या हर कह दो समान आ रहा है, इसलिए एलसीएम आ जाएगा इनका वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, तो यहाँ मैंने लिख दिया इसका इन दोनों पदों का एलसीएम, हल किया इधर तो यह वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू से वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कैंसिल, अंस एज इट इज ये आ गया वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस ये भी कैंसिल, टेन एक्स अपॉन टू का गुणा करेंगे टेन एक्स अपॉन टू से तो ये आ गया टू टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, इसी प्रकार सेकंड पद में भी एलसीएम लेके हल करेंगे, इस वाले पद में भी एलसीएम लेके हल करेंगे, इस पद में भी हम इन दोनों का एलसीएम लेके हल किया हमने। अब हल करने के लिए समान पद आ रहे हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए प्लस प्लस माइनस घट जाएगा,
प्लस का दो है, माइनस का एक है, तो प्लस का एक बच जाएगा। तो यहाँ घटाने पर ये आ गया 1 + tan²x / 2, हर वैसा का वैसा। यहाँ पर भी ये दोनों पद समान है, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, ये आ गया माइनस का tan²x / 2, ये पद ऐसे ही, हर ऐसा का ऐसा ही। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी हल किया और इसको भी हल। अब ये देखिए अंश और हर दोनों समान है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 बच गया। इन दोनों पदों में से -tan²/2 कॉमन, अंदर बच गया 1 + tan²/2, हर अपनी जगह पर। इसी प्रकार इन दोनों पदों में से कॉमन ले लिया tan²/2, ये दोनों कैंसिल हो गए 1। अब कॉमन लेने के बाद ये देखो दोनों सेम पद हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, बच्चा -tan²/2, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, बच्चा tan²/2। समीकरण नंबर डाल दिया 4। फिर समीकरण 1 व 4, एक में तो LHS है, LHS का समीकरण 1 व 4 इन दोनों में देखेंगे तो दोनों की राइट हैंड साइड समान है, दोनों राइट हैंड साइड समान है, इसलिए ये दोनों समान हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर हो गए और हमें यही सिद्ध करना था। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखने की जो बात है वो cos x का फॉर्मूला और साइन एक्स का फॉर्मूला याद रखना है, टेन के पदों वाला, जो आप थोड़ा इसको दोबारा लिखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, के का मान ज्ञात करना, और के का मान ज्ञात करने के लिए आपको संबंध दे रखा है। संबंध क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टे प्लस के आई। तो ए और आई का मान हम यहाँ रखेंगे, हल करेंगे और के का मान ज्ञात करेंगे। जीवन विद्या सबसे जो संबंध दे रखा हो, संबंध लिखा मैंने, अब ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ए का गुणा ए से करेंगे। यहाँ भी मैट्रिक्स से आ गई, यहाँ भी मैट्रिक्स से आ गई, ए मैट्रिक्स ए प्लस के मैट्रिक्स आई। तो यहाँ मैंने ए का स्क्वायर कर दिया, ए का मान रख दिया, आई का मान रख दिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करना आप सबने सीख लिया है, रो का गुणा कॉलम से। गुणा किया मैंने यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार, ये पद आ गया। 8 का गुणा अंदर मैट्रिक्स में करना है, तो 8 का गुणा अंदर के सभी पदों से होगा। 8 का गुणा 1 से होगा, 8 का गुणा 0 से होगा, 8 का गुणा -1 से होगा, 8 का गुणा 7 से होगा, 1 का गुणा भी सभी पदों से होगा। इसको हल कर लिया तो ये आपके सामने पद आ गए इस प्रकार। यहाँ दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, जोड़ने के लिए संगत अवयव को जोड़ा जाता है, तो संगत अवयव जोड़ दिया, हल किया, तो दोनों मैट्रिक्स आ गया, बीच में बराबर है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स समान है, बराबर है, बराबर मैट्रिक्स में संगत अवयव को बराबर करते हैं। तो यहाँ मैंने इस अवयव को और इस अवयव को बराबर किया, बराबर करने से के का मान आ गया, के इज इक्वल टू -7। क्या है के का मान, के इज इक्वल टू -7, और हम यही का मान ही ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न तेरा भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको दे रखा मैट्रिक्स इनटू ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, वो तो ए का मान ज्ञात करना। अब यहाँ मैट्रिक्स गुणा में आ रही है जो हमें ज्ञात करनी है। अभी तक तो जो हमने मैट्रिक्स ज्ञात करनी थी वो प्लस या माइनस में थी, तो पक्षांतरण से काम चल गया। अब यहाँ ए का मान ज्ञात करने के लिए अगर हम इस मैट्रिक्स का पक्षांतरण करते हैं तो ये भाग में जाती है, और दो मैट्रिक्स का भाग हमने नहीं सीखा है, हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम यहाँ भाग नहीं लगा सकते। इसके लिए हम जो मैट्रिक्स ज्ञात करना है उस मैट्रिक्स को मान लेंगे। अब क्या मानेंगे, जो मैट्रिक्स मानेंगे उसका क्रम क्या होगा, तो क्रम के लिए हमें ध्यान रखना होगा, हमें जो गुणा हो रही है वो मैट्रिक्स किस प्रकार की है। वो जो मैट्रिक्स सबसे पहले मैट्रिक्स दे रखी है, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 3 × 2, 3 तो है पंक्तियाँ, 2 है कॉलम। दूसरा जो मैट्रिक्स गुणा करना है हमें, ए का क्रम क्या होना चाहिए। जब हमने दो मैट्रिक्स का गुणा सीखा था तो वह हमने सीखा था कि ऐसी दो मैट्रिक्स जिनको गुणा करना है उन दोनों में पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ हमें इसका क्रम 3 × 2 है, तो इसका क्रम भी हमें 2 × ही लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ 2 × 3 क्रम की एक मैट्रिक्स मान ली व्यापक रूप में।
तो व्यापक रूप में मैट्रिक्स लिखा मैंने, ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ये 2×3 क्रम की मैट्रिक्स है। मान लिया दिए गए प्रश्न में ए का मान रख दिया, अब बहुत आसान हो गया। LHS में दोनों पदों को गुणा करना है, दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। गुणा करने के लिए वही तरीका, इसकी तो रो इसका कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये गुणा किया हमने इसी प्रकार। फिर दूसरी रो लेकर गुणा किया तो ये दूसरी पंक्ति आ गई, तीसरी पंक्ति लेकर गुणा किया तो तीसरी पंक्ति आ गई, इज इक्वल टू RHS सेम सेम। हल किया हमने, हल होने के बाद इस प्रकार के पद हमारे सामने आ गए और बीच में बराबर आ रहा है, दोनों तरफ मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है। तो समान मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो पहले इस अवयव को मैंने इस अवयव के बाहर बराबर किया, तो ए वन वन इज इक्वल टू वन, पहले अवयव का मान आ गया। दूसरे अवयव को इस अवयव के बराबर किया, दूसरे अवयव का मान आ गया। तीसरे अवयव को इसके बराबर किया, तीसरे अवयव का मान आ गया। फिर दूसरी पंक्ति लिया, इसको इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर किया, ये देखिए आप, इसको बराबर किया, पक्षांतर किया मान रखकर। ए वन वन का मान हम यहाँ जानते हैं, यहाँ से हमने ए वन का मान यहाँ रखा तो 2×1 - a21, हल किया तो ए टू वन का मान आ गया 4। इसी प्रकार दूसरे अवयव को बराबर किया, ए वन टू का मान रखा -4, हल किया तो ए टू टू का मान आ गया 2। फिर तीसरे अवयव को बराबर किया, ए वन थ्री का मान रखा 3, हल किया ए टू थ्री का मान आ गया। जो मैट्रिक्स हमने ए मानी थी उसके 6 अवयव हमने ज्ञात कर लिए, तो सभी अवयव को हमें यहाँ लिख देना है। A11 का मान यहाँ आएगा, A12 का मान यहाँ आएगा, A13 का मान यहाँ, A21 का मान इधर, A22 का मान इधर, A23 का मान इधर, सारे अवयव का मान यहाँ रखेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स ज्ञात करनी थी उसका मान आ गया, ये हमें ज्ञात करना था, यही इस प्रश्न का आंसर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा और इन प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 15, जो भी आपको थोड़ा समझना जरूरी है। क्या प्रश्न, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा ए, सिद्ध करना है ए की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन अल्फा। देखिए पावर वाला अंक यहाँ आया, पावर एन है तो हमें यहाँ एन लेना है, एन सिद्ध करना है। दिया हुआ हर सिद्ध करने में अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए दिया हुआ की पावर वन है तो यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है। सिद्ध करने में की पावर एन है, यहाँ एन आ रहा है, एन आ रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम ए क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। अगर ए स्क्वायर और ए क्यूब जैसा सिद्ध करना वैसा सिद्ध हो जाएगा तो हम सीधा लिख देंगे इसी प्रकार ए एन भी यही होगा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ए का गुणा ए से, ए स्क्वायर ज्ञात किया ए का गुणा ए से, गुणा किया हमने दोनों को ए ए से, तो आ गया ए स्क्वायर, भाई इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम से, गुणा किया हमने कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, पहली पंक्ति का पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो कॉस अल्फा का गुणा साइन अल्फा से कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को लेकर पहला कॉलम और दूसरा कॉलम गुणा किया तो ये दोनों पद आ गए। अब यहाँ पद आता कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ थोड़ा त्रिकोणमिति के पद है कि त्रिकोणमिति के सूत्र हमें याद होने चाहिए, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सूत्र होता है कॉस 2 थीटा, यहाँ थीटा के स्थान पर अल्फा है इसलिए हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। देन ये सूत्र बन रहा है दोनों पद 6 में, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया 2 sin alpha cos alpha, यहाँ भी दोनों पद 6 में इसलिए दोनों जुड़ गए -2 sin alpha cos alpha। और इसको मैं अगर ऐसे पढ़ूँ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो फिर सूत्र बन गया इसी प्रकार जहाँ यहाँ जैसा यहाँ बना था वैसा यहाँ सूत्र बन गया cos 2 alpha। अब cos 2 alpha जगह पर ये सूत्र होता है sin 2 alpha का, सूत्र पढ़ा है हमने sin 2 थीटा इज इक्वल टू
टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन अल्फा कॉस अल्फा का सूत्र हो गया साइन टू अल्फा, या माइनस है तो यह माइनस साइन टू अल्फा, तो ए स्क्वायर। तो देखिए आप स्क्वायर आया तो यहाँ टू आ गया, है ना टू ये। अब क्यूब लेंगे, क्यूब लेने पर भी अगर हम सिद्ध कर पाएंगे कि यहाँ थ्री आ जाता है, तो देखो क्यूब याद करने के लिए हम ए स्क्वायर का गुणा ए से करेंगे, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ लिख दिया ए। यहाँ गया स्क्वायर का मान, यहाँ गया ए का मान। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा करना है, रो इंटू कॉलम गुणा किया आपने, तो ये आ गया आपके पास कॉस टू अल्फा इंटू कॉस अल्फा, पहले जो का गुणा पहले जो से, दूसरे जो का गुणा दूसरे जो से, ये गुणा क्या दिया गया, यही क्रम आपने दूसरी पंक्ति के लिए किया। तो इस प्रकार ये आपके सामने नई मैट्रिक्स आ गई। देखिए अब ये जो सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है कॉस ए प्लस बी का, ए के स्थान पर टू अल्फा, बी के स्थान पर अल्फा, तो कॉस टू अल्फा प्लस अल्फा। अब इधर ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है, तो साइन के साथ ए तो अल्फा है, बी है टू अल्फा, ठीक। इसी प्रकार इसी स्टेप में माइनस अगर बाहर कॉमन ले लें तो ये भी बनता है साइन ए प्लस बी का। फिर इधर ये माइनस वाले पद को बाद में लिखें, कॉस वाले पद को पहले लिखें, तो ये भी सूत्र बनता है कॉस ए प्लस बी का। जोड़ने पर यह आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू कॉस थ्री अल्फा साइन थ्री अल्फा माइनस साइन थ्री अल्फा कॉस थ्री अल्फा। दिया हुआ था ए, हमने ए स्क्वायर भी किया, ए क्यूब भी किया, ए दिया हुआ था तो अल्फा का गुणा वन आया, स्क्वायर ज्ञात किया तो अल्फा का गुणा टू आया, क्यूब ज्ञात किया तो अल्फा का गुणा थ्री आया। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए एन ज्ञात करेंगे तो अल्फा का जो गुणा है वो आएगा एन, तो कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा, और ये हमें सिद्ध करना था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार प्रश्न 3.2 के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आगे आता विविध प्रश्नमाला, विविध प्रश्नमाला के सारे प्रश्न जो है प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के आधार पर ही है और सारे प्रश्न आसान है, तो आप विविध प्रश्नमाला के सारे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। मैंने इस प्रश्नावली में प्रश्न देखा है उसमें आपके केवल लास्ट प्रश्न ऐसा है जिसको मुझे आपको समझाने की आवश्यकता है, बाकी सारे प्रश्न आप खुद कर सकते हैं, तो करने का प्रयास करना। लास्ट प्रश्न जो है मैं आपको समझा देता हूँ, लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको दे रखा है, मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू जीरो आपको सिद्ध करना है, जिसके लिए आपको दे रखा है अल्फा माइनस बीटा का मान 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो 2m माइनस 1 जो है विषम है, विषम संख्या को दर्शाता है, तो पाई बाई 2 के साथ में विषम संख्या गुणा हो रही है, पाई बाई 2 विषम गुणांक है अल्फा माइनस बीटा का मान। तो करते इसको प्रूफ, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको लिख दिया। अब हमें दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है, गुणा करने का तरीका आप सब जानते हैं, रो इंटू कॉलम करना है, गुणा किया हमने तो इस प्रकार के पद आपके सामने आ गए। अब प्रथम पद में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमने देखा कॉमन आ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, पीछे क्या बच गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इन दोनों में से भी कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में से कॉस अल्फा और साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉमन ले लिया, पीछे अंदर ये बच गए पद। फिर इस वाले पद में से भी कॉमन आ रहा है आपके, जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया मैंने पद, पीछे अंदर पद बच गया। फिर ये पद इन दोनों में से साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया अंदर पद बच गया। अब अंदर जो पद बच रही है एक सूत्र बन रहा है कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हम जानते हैं सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का, यहाँ ए के स्थान पर अल्फा है बी के स्थान पर बीटा है, तो सूत्र बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। सभी पदों में कॉमन आ रहा है, समान पद है, तो सभी जगह कॉस अल्फा माइनस बीटा का सूत्र बन रहा है, तो सभी अवयव में कॉस अल्फा माइनस बीटा है, इसलिए हम इसको कॉमन लेंगे बाहर।
जिस प्रकार गुणा करने के लिए अंदर सभी पदों को गुणा करना पड़ता है, उसी प्रकार अगर कोई पद अंदर के सभी पदों में समान है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर अंदर की मैट्रिक्स बच गई। अब बाहर जो पद आया है उसमें अल्फा माइनस बीटा आ रहा है और उसके साथ कौन है, कॉस। अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ था, पाई बाई टू का विषम गुणांक। पाई बाई टू का विषम गुणांक हम जानते हैं, कॉस के साथ अगर पाई बाई टू विषम गुणांक के रूप में आए तो उसका मान जीरो होता है। याद करो, कॉस 90 जीरो, कॉस 270 जीरो, फिर 90 जोड़ो जीरो, फिर 90 जोड़ो जीरो, तो इस प्रकार ये क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए यहाँ जो है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो गया, जीरो। जीरो इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जीरो से गुणा करेंगे, कंप्लीट जीरो, और ये हमें सिद्ध करना था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आज आप प्रश्नावली 3 के सारे प्रश्न, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इन उदाहरणों में और इन प्रश्नों को हल करने में कोई भी किसी प्रकार की छोटी या बड़ी समस्या हो तो आप ज़रूर मुझे अगली क्लास से पहले पहले फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या का समाधान करके नेक्स्ट चैप्टर हमें शुरू करना है प्रश्नावली 4। तो आप सहयोग करेंगे, धन्यवाद।